अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की सबसे अहम खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खबर बताने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, खबर कुछ यूँ है कि तकरीबन 16,500 लोगों को सऊदी अरब के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पिछले एक हफ्ते के दौरान अरेस्ट किया है। अरेस्ट होने वाले लोगों में ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने इकामा और लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी की है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पिछले एक हफ्ते से जवाजात और दीगर सिक्योरिटी के इदारे कम्पेन में हिस्सा ले रहे हैं। ये कम्पेन 9 सितंबर से जारी है। सऊदी हुकाम का मजीद ये कहना है कि इन 16,500 लोगों में 6,470 लोग वो शामिल हैं जिन्होंने रेजिडेंसी लॉ की खिलाफ वर्जी की और 8,182 लोग वो शामिल हैं जिन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी और लेबर लॉ के कानून खिलाफ वर्जी में शामिल रहे। दोस्तों, इनमें 304 लोग वो भी शामिल हैं जो सऊदी अरेबिया का इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। इनमें 32% यमनी नेशनल थे, 64% एथोपियन और 4% दूसरे ममालिक के लोग शामिल हैं। दोस्तों, 13 वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने गैर कानूनी लोगों को ट्रांसपोर्ट या रिहाइश मुहैया की। आज के दौर में दोस्तों, ये बहुत ही एक सख्त कानून बन गया है कि आप किसी को भी ट्रांसपोर्ट या किसी भी गैर कानूनी शख्स को ट्रांसपोर्ट या रिहाइश मुहैया ना करें। आगे मैं ख़बर को मज़ीद आपको बताता चलूं कि तकरीबन 84,000 लोग इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के या इस टाइम पे जेलों में मौजूद हैं, जिनमें 73,000 मर्द हजरात और 10,000 ख़वातीन शामिल हैं। इनमें दोस्तों 66,000 लोगों को तकरीबन डिपोशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं वजारत दाखिला से सख्त वार्निंग की भी आपको बताता जाऊं कि वजारत दाखिला ने इस वक्त सख्त वार्निंग जारी की है तमाम लोगों के लिए कि कोई भी शख्स किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी या फिर किसी को सऊदीया में दाखिले में मदद करता पकड़ा गया या किसी भी गैर कानूनी रहने वाले शख्स को ट्रांसपोर्टेशन या उसको रिहाइश फराहम की तो तकरीबन 15 साल जेल और 1 मिलियन तक उस पर जुर्माना हो सकता है और उसका नाम लोकल मीडिया पर पब्लिक किया जाएगा। तो मेरे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे गैर कानूनी तमाम मामलात जो भी हैं इससे बहुत इज्तनाब किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो को देखने के लिए मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया बहुत बहुत।